हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी द राइट वे। आज हम 10th का सीबीएसई का फर्स्ट लेसन रियल नंबर्स पढ़ेंगे। अभी हमने 9th स्टैंडर्ड में रियल नंबर्स देखे हैं, राइट? फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि सारे रियल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स है जो रियल नंबर्स में आते हैं। यस, सो लेट्स रिवाइज इट। सो रियल नंबर्स, अभी रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, हम एक के बाद एक देखेंगे, ठीक है? हम शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर्स से। सो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन। दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। यदि हम नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड करते हैं तो वो हो जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स विच आर होल नंबर्स। सो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। अभी ये निगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स ये मिलके हो जाते हैं इंटीजर्स। सो इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आई और जेड। यदि आपको याद होगा तो हमने नंबर लाइन देखी थी। सो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में देर आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर्स है? सो निगेटिव नंबर्स। सो ऑल दोज पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड जीरो, वो मिलके क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स। तो अब ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए, निगेटिव नंबर्स हो गए, उसके बीच में भी तो कुछ नंबर्स होंगे। सो ऑल दोज आर फ्रैक्शंस। यस, दोज नंबर्स आर फ्रैक्शंस। अभी ये फ्रैक्शंस और इंटीजर्स मिलके क्या बनेंगे? रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू बार। सो √3, √5 एंड पाई आर द इरेशनल नंबर्स। सो रियल नंबर्स आर मेड अप ऑफ रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर मेड अप ऑफ फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स, इन दैट इंटीजर देर आर नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड इन पॉजिटिव इंटीजर्स वी कैन सी देर इज जीरो एंड ऑल्सो ऑल नेचुरल नंबर्स। यस फ्रेंड्स, और ऐसे कुछ टर्म्स है जो हमें, और ऐसे कुछ नंबर्स है जो हमें जानना जरूरी है, राइट? वो भी रियल नंबर्स में भी आते हैं। तो अभी हम देखते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। मतलब 22 हो गया, 28 हो गया, 58 हो गया। यस, ऑड नंबर्स। सो ऑड नंबर्स आर द नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस में 1, 5, 7, 9 होंगे, राइट? बहुत बेसिक है ये। जैसे हम बोलते हैं 55, 97, 109, ये क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, राइट? कौन से दो फैक्टर्स होते हैं? वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच आर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ। देन कंपोजिट नंबर्स। सो ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं है पर उनको मोर देन वन फैक्टर्स होते हैं। मानो कि हम एग्जांपल लेते हैं 4 का, तो 4 को क्या फैक्टर्स है? 1, 2, 4। एग्जांपल लेते हैं हम 27 का, तो 27 को क्या फैक्टर्स है? 1, 3, 9 एंड 27। सो कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन वन फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, राइट ना? सो ये क्या हो गए? कंपोजिट नंबर्स। अभी और एक टर्म है, वो है को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स आर इट्स अ पेयर ऑफ नंबर्स विच आर हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड दैट वन कॉमन फैक्टर इज वन। सो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 4 का। अभी 4 के क्या फैक्टर्स है? 1, 2 एंड 4। 15 के क्या फैक्टर्स है? 1, 3, 5 एंड 15। अभी 4 एंड 15 में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो कौन सा है? तो वो कॉमन फैक्टर है 1। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। यदि हम लेते हैं 4 एंड 6 का एग्जांपल, तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, राइट? क्योंकि 4 के फैक्टर्स है 1, 2, 4 एंड 6 के है 1, 2, 3 एंड 6। इसमें दो कॉमन फैक्टर्स आ गए, इसलिए 4 एंड 6 कैन नॉट बी को प्राइम नंबर्स। यस, यदि आपको ये सारे नंबर्स अच्छे से पता है तो आपको ये लेसन समझना बहुत ही आसान जाएगा।